ये बात तो एकदम पक्की है कि स्कैम करने वाला कानून बनाने वाले से ना शातिर होता है, थोड़ा ज्यादा शातिर होता है। इस वीडियो में बात कर रहा हूँ 5 बड़े स्कैम्स की और इन स्कैम से सिस्टम कैसे इम्प्रूव हुआ, व्हाट वी हैव लर्न। फ्यूचर में ऐसे स्कैम और नहीं होंगे ये, लेकिन कुछ नए टाइप के स्कैम शायद देखने को मिले। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, iExamBee पे ओनली एट iExamBee यू गेट ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस विच मेक्स योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। पहला स्कैम बात करेंगे, हर्षद मेहता स्कैम। इसमें शेयर मार्केट को मैनिपुलेट किया हर्षद मेहता ने, लेकिन पैसा कहां से उठाया? मनी मार्केट से। 1992 में स्कैम सरफेस हुआ था जब सुचेता दलाल ने इसको अच्छे से कवर किया। उस समय जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन होते थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में बेचता कौन है वैसे? RBI। समय में फिजिकल सिक्योरिटीज होती थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग तो थी नहीं तब के टाइम। अगर किसी एक बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी है, अब उसको वो बेचनी है और दूसरे बैंक को खरीदनी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों खरीदते बेचते हैं ये बैंक? SLR के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और वैसे भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे उसको? ओवरनाइट लोन तो नहीं दे दोगे या एक हफ्ते के लिए लोन दे दोगे? लोन नॉर्मली लॉन्गर टेनर के होते हैं। अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो ये एक ट्रेजरी मैनेजमेंट का लॉजिकल सेंस होता है कि उसको आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए कम टाइम के लिए भी। तो किसी बैंक को बॉन्ड खरीदने, किसी बैंक को बॉन्ड बेचने हैं, काम होता था ब्रोकर्स के माध्यम से और हर्षद मेहता उनमें से एक ऐसे ब्रोकर थे। अब जो सिक्योरिटीज है उसमें ब्रोकर पीरियड इंटरेस्ट भी होता है और सिक्योरिटीज को एक दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करने में टाइम लगता है। सपोज आज वो बैंक ऑफ इंडिया के पास है, कल पंजाब नेशनल बैंक ने खरीद ली, परसों ICICI बैंक खरीद ली, इसका अकाउंटिंग कहां हो रही है? रिजर्व बैंक में। वो भी मैनुअल थी, रजिस्टर में लिखा जा रहा था। बहुत बार बैंक क्या करते थे, उन्होंने फिजिकल सिक्योरिटी ट्रांसफर करने की बजाय बोला मैं आपको एक बैंक रिसिप्ट दे देता हूं। यहां पर जो फ्रॉड हुआ उसके पीछे था ये बैंक रिसिप्ट। बैंक ने लिख के दे दिया कि जो मेरे पास ये नंबर की सिक्योरिटी है ये अब मैं पंजाब नेशनल बैंक को दे दे रहा हूं। बाद में एक पंजाब नेशनल बैंक अगली बैंक रिसिप्ट इशू करेगा, ICICI बैंक को दे देगा। और हर्षद मेहता ने ये चीज समझ ली, उन्होंने फेक बैंक रिसिप्ट इशू कर दी। एक बैंक से जब दूसरे बैंक को सिक्योरिटी बेची जा रही है तो जो बैंक खरीद रहा है वो उसका पैसा देगा, पैसा भी ब्रोकर के थ्रू आ रहा है, चेक से पैसा आ रहा था, वो चेक इशू कर देगा तो चेक ब्रोकर के हाथ में है। इस पैसे को हर्षद मेहता ने यूज करना शुरू कर दिया। इसको मनी मार्केट स्कैम, सिस्टमैटिक स्टॉक स्कैम बोलते हैं। सिस्टमैटिक और सिस्टेमिक ये वर्ड भी आपको पता होने चाहिए, नहीं याद है तो गूगल करना पड़ेगा। और ये पैसा तो वो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था। ECC का उसने स्टॉक इन्वेस्ट किया था, 4400% ग्रोथ 3 महीने के अंदर। 1991 में 200 रुपए का शेयर 9000 रुपए का पहुंच गया और फिर हर्षद मेहता उस शेयर को बेच देगा, प्रॉफिट कमा लेगा और ये साइकिल ऐसे चल रहा था। उस समय रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मार्केट में और कॉन्फिडेंस आने लग गया था। तो जब ये स्कैम का पर्दाफाश हुआ 4500 पॉइंट से 2500 पर आ गया था सेंसेक्स। नेशनल हाउसिंग बैंक को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 175 करोड़, SBI कैप को 121 करोड़ और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को भी 300 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस तरीके के बहुत सारे बैंकों का जिन्होंने ये फेक बैंक रिसिप्ट के अगेंस्ट पैसा दे दिया था उनका पैसा डूब गया। उस समय भी BSE को बोला जा रहा था कि आप ट्रेडिंग को इलेक्ट्रॉनिक करो, लेकिन उस समय बोलते थे कि BSE वो ब्रोकर्स द्वारा चलाई जा रही थी, ब्रोकर्स का बहुत स्ट्रांग होल्ड था, BSE इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर नहीं रहा था। इसकी हिस्ट्री आप अलग से पढ़ सकते हैं। NSE की शुरुआत की गई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया फिर, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो सके और ये जो ब्रोकर्स का कंट्रोल है मार्केट पे इसको रोका जा सके। हर्षद मेहता को बाद में जेल हुई, जहां तक मुझे याद है वो हार्ट अटैक आने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सिस्टम के लूप होल का फायदा उनके एक फिर चेले थे। अब नंबर 2 स्कैम की बात कर रहा हूँ, केतन पारेख स्कैम। जिन्होंने हर्षद मेहता के साथ काम किया था उनकी फर्म में, उन्होंने इससे भी बड़ा कांड किया। 2001 में ये स्कैम सामने आया था। तो केतन पारेख क्या करते थे, वो भी शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, बट इतना ज्यादा पैसा लगाने के लिए पैसा कहां से आएगा? केतन पारेख ने एक दूसरा तरीका निकाला, एक और लूप होल उन्होंने निकाला, वो था पे ऑर्डर का। पे ऑर्डर को बोलते हैं बैंकर्स चेक। बैंक ने अगर चेक इशू किया है, जैसे हम और आप चेक इशू करते हैं, बैंक ने अगर चेक इशू किया उसको बोलते हैं पे ऑर्डर। बैंक का चेक तो डिफॉल्ट होगा नहीं अनलेस बैंक ही बैंकरप्ट हो जाए। पे ऑर्डर क्या होगा, क्लियरिंग में जाएगा, जैसे चेक क्लियरिंग में जाता है। आज के डेट में तो आपके पास चेक ट्रंकेशन सिस्टम भी है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाती है, फटाफट आपकी क्लियरिंग सेम डे नेक्स्ट डे हो जाती है। अब ये बात हो रही है आज से 25 साल पहले की, 2001 में तो स्कैम सामने आ गया था। तो उस समय फिजिकल जाता था, फिजिकल चेक जाएगा, लोकल है तो शायद 3 दिन में क्लियरिंग हो जाएगी, आउट स्टेशन है तो 15-15 दिन लग जाते थे। अब अगर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक पे ऑर्डर इशू किया अहमदाबाद से और पेमेंट के लिए चला गया वो बॉम्बे,
तो क्या होगा, फिजिकल पे ऑर्डर को पोस्ट ऑफिस द्वारा, उस जमाने में कूरियर सर्विसेज भी इतनी ग्रेट नहीं थी, पोस्ट ऑफिस से वो जाएगा फिजिकल पे ऑर्डर और उसके बाद वो पास होगा। इस बीच में केतन पारिक जैसे लोग पैसा उठा लेंगे और इसमें उन्होंने दो बैंकों का यूज किया, खासकर माधोपुरा मर्केंटाइल बैंक और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। इसमें बैंक मिले हुए थे, बैंकों की बदमाशी थी इसमें, और माधोपुरा मर्केंटाइल बैंक में तो केतन पारिक ने काफी शेयर भी लिए हुए थे, सो दैट ही कुड इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट। और कोऑपरेटिव बैंक का जो मैनेजमेंट है वो ग्रेट नहीं है, कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, और उस समय तो हालत और भी खराब थी क्योंकि कोऑपरेटिव बैंकों को सुधारने का काफी सारा क्रेडिट डॉक्टर वाईवी रेड्डी को जाता है, जब उन्होंने इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एग्रीमेंट करने शुरू किए, एमओयू साइन हुए, और आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों को भी काफी ज्यादा रेगुलेट करने लगा। और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ करता था, बहुत फ्लैशी सा बैंक था, हैदराबाद हेडक्वार्टर्ड, और ये बैंक भी स्कैम में डूब गया। उसमें K10 करके एक इन्होंने शेयर्स की लिस्ट बनाई, इतना मैनिपुलेट करते थे और लोग बोलते थे मिदास टच है भाई, केतन पारिक ने जहां डाल दिया वहां आंख बंद करके पैसा डालो। K10 जो है 10 ऐसे शेयर्स थे जिनमें केतन पारिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी जनता भी इन्वेस्ट कर रही है। दो टेक्निक का इस्तेमाल किया ने, सर्कुलर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप टेक्निक। सर्कुलर ट्रेडिंग के लिए क्या करते हैं, इन्हें अपने कुछ आदमी बैठा दिए, माना GTV का स्टॉक है, ए ने खरीदा, फिर ए से बी ने खरीदा, फिर बी से सी ने खरीदा, सी से डी ने खरीदा, डी से फिर ए ने वापस खरीद लिया, इस तरीके से सर्कुलर ट्रेडिंग हो रही है। और आम जनता को क्या लग रहा है, इस स्टॉक में तो बहुत ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, आम जनता भी उसमें इन्वेस्ट करे जा रही है। दूसरा, पंप एंड डंप। पहले पैसा पंप करो किसी स्टॉक में, GTV के स्टॉक को खरीदते जाओ, एक्युमुलेट करो और वो एक हाइट तक पहुंच जाए, उसके बाद बल्क में बेच दो, डंप। और इनसाइडर ट्रेडिंग की तो बात ही क्या करें, वो तो खूब करते ही थे। 1995 से लेकर 2001 तक इन्होंने खूब मार्केट को मैनिपुलेट किया। केतन पारिक स्कैम 40,000 करोड़ का स्कैम था, अगर कंपेयर करें तो हर्षद मेहता स्कैम तो 500 करोड़ का स्कैम था, लेकिन टाइम पीरियड भी अलग अलग है, क्योंकि उस 500 करोड़ के स्कैम में भी जब मार्केट गिरी थी हर्षद मेहता के टाइम में, 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस हुआ था, और ये हम बात कर रहे हैं 1992 की, 30 साल पहले 1,00,000 करोड़। केतन पारिक स्कैम बाद में पकड़ में आया बैंक ऑफ इंडिया का, जो एक 12 करोड़ का पे ऑर्डर था, जब तो ये पूरा स्कैम समझ में आया कि किस तरीके से झूठे पे ऑर्डर ये शुरू करा के पैसा मार्केट में डाल रहे हैं और मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। केतन पारिक के टाइम में जो इनके साथ दूसरे इन्वेस्टर्स थे वो ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हुआ करते थे, उनका बहुत लॉस हुआ। हर्षद मेहता के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर्स, नया नया शौक हुआ था उस समय जनता को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत लॉस हुआ। तीसरा, बात करते हैं सत्यम कंप्यूटर्स की, बी रामालिंगा राजू। सत्यम कंप्यूटर उस समय की चौथी बड़ी आईटी कंपनी हो गई थी, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो के बाद। मैंने भी एक ऐसे लिखा था, स्टूडेंट था मैं, सत्यम कंप्यूटर्स की सक्सेस स्टोरी और किस तरीके से बी रामालिंगा राजू ने सत्यम को बनाया है, इम्प्रेस होके मैंने भी एक ऐसे लिखा था। मालूम नहीं था कि ये आदमी तो फ्रॉड करेगा। बी रामालिंगा राजू को लगा कि बिजनेस करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट में। उन्होंने रियल एस्टेट के लिए दो कंपनीज खोली, मायताज प्रॉपर्टी, मायताज इंफ्रास्ट्रक्चर, SATYAM। सत्यम को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखो, MAYTAS मायताज बन जाएगा। ये जो मायताज प्रॉपर्टीज और मायताज इंफ्रास्ट्रक्चर था, इन्होंने हैदराबाद में, सत्यम वाज हेडक्वार्टर ने हैदराबाद में रियल एस्टेट की डील करना शुरू किया। लोग तो ये भी बोलते हैं कि हैदराबाद मेट्रो जो आने वाली थी, बी रामालिंगा राजू को उसका रूट पता था और वो उस रूट में जमीनें खरीद रहा था, जिससे कि जब मेट्रो आएगी ज्यादा दाम पे वो बेच पाएगा। जब मैं आरबीआई में था और हम इंस्पेक्शन कर रहे थे हैदराबाद में, मैंने देखा कि बैंकों ने मल्टीपल लैंडिंग की हुई है इन मायताज इंफ्रास्ट्रक्चर और मायताज प्रॉपर्टी को, सेम ही प्रॉपर्टी में कई बार दोनों कंपनी को फंड किया हुआ है, और इन दोनों कंपनी को मल्टीपल बैंक ने एक प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की हुई है। आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड, मैंने जब खुद बैंकर से पूछा भाई ये क्या है, तो लोग बोलते हैं अरे सर ये तो सत्यम कंप्यूटर वालों की कंपनी है। मतलब जो मार्केट में ट्रस्ट था ना, इतना ज्यादा था कि वो क्वेश्चन उठाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ, उस समय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 का जो क्राइसिस है, उसके सिम्टम दिखने लगे थे। हम क्या कर रहे थे उस समय आरबीआई में, रियल इस्टेट में हमारा एक्सपोजर चेक कर रहे थे, हमारा मतलब बैंकों का एक्सपोजर चेक कर रहे थे, क्योंकि यूएस में जो रियल इस्टेट बबल हुआ है उसके चलते इंडिया में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सत्यम कंप्यूटर्स का इतिहास देखेंगे, 1987 में शुरू करके, 1987 में स्टार्ट करके 1992 में बीएससी में लिस्ट हो गई 5 साल में ये कंपनी, और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर लिया था। कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, बट आई थिंक दैट वाज द ग्रीड ऑफ द फाउंडर। जो मैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहा हूँ, उस समय बैंकों ने
रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स को लोन देना कम कर दिया, क्योंकि ऊपर से ही वो डायरेक्शन आ रहा था, मैं जो अपना आरबीआई की इंस्पेक्शन की बात कर रहा था, तो बैंकों का रियल इस्टेट एक्सपोजर कम हुआ तो इनको दिखने लग गया कि हमारा रियल इस्टेट का बिजनेस डूब रहा है। उसको बचाने के लिए इन्होंने मैन्युपुलेशन किया सत्यम कंप्यूटर्स में। रामलिंगा राजू ने प्लान बनाया कि सत्यम कंप्यूटर्स मेहताज प्रॉपर्टीज और मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर को परचेज कर लेगी। इसके लिए ये प्लान इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अप्रूव करा लिया, और वो भी कोई बिना एजीएम किए हुए। तो कुछ इन्वेस्टर्स जो थे सत्यम में, यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया। कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को मालूम था कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं चल रही है। 1999 से 2008 तक आते आते जो प्रमोटर्स की इसमें शेयर होल्डिंग थी वो 24% से गिर के 2%, यानी कि प्रमोटर्स रामलिंगा राजू और फैमिली वो अपना शेयर बेचते रहे। जब इन्वेस्टर ने सत्यम कंप्यूटर्स के इस डिसीजन को ऑब्जेक्ट किया, जो मेहताज प्रॉपर्टीज और मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद रहे थे, तो उसके बाद सत्यम कंप्यूटर्स का शेयर गिरा। फिर इसकी इंक्वायरी शुरू हुई, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका, जो ऑडिटर था पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। यहाँ पर रामलिंगा राजू क्या कर रहे थे, फेक इनवॉइसेस प्रेजेंट कर रहे थे। जो सत्यम कंप्यूटर्स में सेल नहीं हुई है वो फेक इनवॉइस बनाए गए, और जब उसका बैंक डॉक्यूमेंट मांगे गए भी पैसा बैंक में आया है कि नहीं, तो उन्होंने झूठी एफडी पेश करी। और ये बात कैसे सत्यम के ऑडिटर नहीं पकड़ पाए, अनबिलीवेबल थी। और बाद में फिर सत्यम कंप्यूटर्स पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो गए, सरकार ने कमिटी बैठाई और सत्यम कंप्यूटर्स को टेक महिंद्रा ने खरीद लिया। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मार्केट में ये हुआ कि सत्यम कंप्यूटर्स की घटना के बाद एक तो ऑडिटर्स को और ज्यादा स्क्रूटनाइज करने को बोला जाने लगा, बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रोल पे क्वेश्चन उठा, और ये बोला जाने लगा हर बात में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है तो बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उनको ऑडिटर्स के माध्यम से कंपनी के कामों पर नजर रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ललित मोदी स्कैम। ये आपने नाम पक्का सुना होगा, क्योंकि आईपीएल के चैंपियन रहे ललित मोदी, क्रेडिट भी ललित मोदी को जाता है आईपीएल को बनाने का। और अगर कंपेयर करें तो जो सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम था वो था 7,800 करोड़ का। ललित मोदी स्कैम को लोग 1,500-1,700 करोड़ का स्कैम बोलते हैं, और इसके बाद में बात करूंगा नीरव मोदी स्कैम जो 11,000 करोड़ का स्कैम है। इसमें एक्चुअली नंबर्स फिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, और फोरेंसिक के बाद भी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द फ्रॉड पता लगाना टफ हो जाता है। तो ललित मोदी बाय हिज कैरेक्टर तो पहले से उनमें प्रॉब्लम थी। जब वो यूएस गए भी थे पढ़ने के लिए, उस समय भी उन्होंने कुकिंग का धंधा चालू कर दिया। वहां पे 2 साल का इम्प्रिजमेंट हुआ वहां पे। तो अच्छी फैमिली से आते हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी जो है, जो टोबैको प्रोडक्ट में काफी लीडिंग कंपनी है, उसकी फैमिली से आते हैं। फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा था, लेकिन इनका दिमाग जरूरत से ज्यादा चलता था। जैसे इंडिया में इन्होंने एक एंटरटेनमेंट सेक्टर में कंपनी शुरू की, मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क, और टीवी का टाइम चल रहा था, केबल टीवी का वो जमाना था, नए नए चैनल्स आए थे दूरदर्शन के अलावा, तो इन्होंने बहुत सारे टीवी के साथ एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में रिन्यूअल नहीं हुए, क्योंकि लोगों को समझ में आने लग गया कि ललित मोदी की जो डील है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। अमेरिका में रहकर आए थे तो अमेरिका में स्पोर्ट्स लीग से बहुत इम्प्रेस थे, उसको सोचते हुए इन्होंने सोचा इंडिया में जहां पे क्रिकेट का इतना फीवर है व्हाई नॉट मेक समथिंग लाइक आईपीएल। के लिए बीसीसीआई के पास ये प्रपोजल लेके गए, बट बीसीसीआई में किसी ने इनकी नहीं सुनी। इन्होंने सोचा कि अब अगर इसमें कुछ काम करना है तो बीसीसीआई में किसी तरीके से अपनी पहुंच बढ़ानी होगी, तो इन्होंने बीसीसीआई ज्वाइन करने का प्लान बना लिया। मैंने बोला अच्छी फैमिली से आते थे, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था, नेटवर्थ भी बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने पहले स्टेट लेवल पे बीसीसीआई ज्वाइन कर लिया और बाद में सेंट्रल लेवल पे आ गए। उससे पहले बीसीसीआई इतना कॉमर्शियल नहीं सोचता था, वो केवल देश के लिए अच्छी टीम बनाने की सोचते थे, लेकिन इन्होंने बीसीसीआई में इस बात का एहसास कराया कि हमें अपने एडवर्टाइजिंग राइट्स अच्छे दाम पे बेचने चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई के पास अच्छा पैसा आने लगा। बीसीसीआई में इनका होल्ड बढ़ता चला गया, लोगों ने इन्होंने आईपीएल का प्लान लॉन्च कर दिया। और सबसे जबरदस्त बात यह थी कि आईपीएल के जो फ्रेंचाइजी थे ये सक्सेसफुल लोगों को, बहुत पॉपुलर लोगों को और रिच लोगों को बेच पाए, चाहे वो शाहरुख खान रहे हो या विजय माल्या। आईपीएल का फ्रेंचाइजी बेचने में भी, जब कोच्ची का फ्रेंचाइजी इन्होंने बेचा था सुनंदा पुष्कर को, उस समय सुनंदा पुष्कर की शशि थरूर से शादी नहीं हुई थी, उस पर कई ऑब्जेक्शन रेज हुए, और बाद में उसके चलते इन्वेस्टिगेशन हुआ। और भी इन्होंने बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे किए हुए थे जहां इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया, अंडर हैंड डील कर रखी थी। जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तो 2015 में इनके खिलाफ नॉन वेलेबल वारंट जारी हुआ, लेकिन उससे पहले ही ये भाई साहब तो लंदन भाग गए थे, और आज भी वो लंदन में है, हमारी सरकार उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। नीरव मोदी बिजनेसमैन, ज्वेलरी का बिजनेस करते थे, उनका अंकल है मेहुल चौकसी। इनका जो हीरो का व्यापार था, नीरव मोदी के शोरूम थे, अपने आप में एक ब्रांड था नीरव मोदी का शोरूम, बहुत एक्सपेंसिव शोरूम और बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी।
नीरव मोदी विदेशों से डायमंड मंगाते थे और इंडिया में डायमंड की कटिंग होती है, पॉलिशिंग बोलते हैं जिसको, सूरत सबसे बड़ा सेंटर है इस चीज का, तो ये कट डायमंड का व्यापार करते थे। जब इन्हें विदेशों से डायमंड खरीदना है, रॉ डायमंड खरीदना है, तो उसके लिए पेमेंट करना होगा, पैसा कहां से आएगा? तो इन्होंने एक तरीका निकाला, यहां पर एक इम्पोर्टेंट टर्म है LOU, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। सपोज हांगकांग से इन्हें डायमंड खरीदने हैं और हांगकांग में माना बैंक ऑफ बड़ौदा कि वहां पर कोई ब्रांच है, क्योंकि इंडियन बैंक का ही फायदा होता है, इंडियन बैंक की जो विदेशों में ब्रांच है, वहां पर माना SBI की ब्रांच है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है। इन्होंने वहां के बैंक ऑफ बड़ौदा को बोला कि आप मेरे को ये फाइनेंस कर दो, वहां की एक कंपनी है XYZ लिमिटेड को ये पैसा दे दो, मैं डायमंड लेके जा रहा हूं इंडिया। उन्होंने कहा आपको कैसे दे दें, क्या गारंटी आप पे करोगे? उन्होंने बोला पंजाब नेशनल बैंक है, वहां से मैं आपको एक लेटर दिलाता हूं, ये लोन मैं वापस करूंगा। उस लेटर को बोल रहे हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, LOU। पंजाब नेशनल बैंक ने यहां से एक ब्रांच ने इशू कर दिया एक लेटर बैंक ऑफ बड़ौदा हांगकांग को कि अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि अगर ये लोन नहीं देंगे तो हम इसको पे करेंगे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा को तो गारंटी मिल गई पंजाब नेशनल बैंक की। हो क्या रहा था, ये जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग था ये एक सिंपल लेटर है और ये ब्रांच में फ्रॉड से इशू हो रहा था। इस LOU की कहीं बैंक के सिस्टम में, जो CBS है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जहां पर अकाउंटिंग होती है, वहां पर एंट्री भी नहीं हो रही थी। एज पर द रूल बैलेंस शीट के नीचे इनको नोट्स में लिखा जाता है, उनको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट, ऑन मतलब जो एसेट या लायबिलिटी हो गई, ये है कंटिंजेंट लायबिलिटी कि अगर आपके क्लाइंट ने डिफॉल्ट किया तो आपको ये पैसा देना पड़ सकता है। तो बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। जब ये ब्रांच मैनेजर का तबादला हुआ, दूसरा ब्रांच मैनेजर आए, तो नीरव मोदी का आदमी पहुंच गए लेटर मांगने के लिए। तो उन्होंने बोला कौन सा लेटर, तुम्हारा तो यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है, हमने तो कभी आपको कोई असेसमेंट ही नहीं किया लोन देने का, हम कहां से ऐसा लेटर इशू कर देंगे? उन्होंने बोला देखो पुराना करते थे। तो ये फ्रॉड पता लगा। 2011 से 2017 तक 11,000 करोड़ के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ले चुके थे ये PNB से। अब आप सोचोगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों इतना ट्रस्ट कर लेता था, क्योंकि ये जो लेटर आता था वो स्विफ्ट से आता था। स्विफ्ट क्या है, एक टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें सिक्योर्ड मैसेज जाते हैं। देखिए पैसा अगर एक बैंक दूसरे बैंक को ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, वो किसी उसके नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट में जाएगा, लेकिन ये सिक्योर्ड मैसेजिंग सिस्टम पे बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि LOU स्विफ्ट पे आ रहा था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को पूरा ट्रस्ट है कि अब PNB मेरे को पैसा दे देगा, और PNB को देना भी पड़ा। एक्चुअली PNB ने बाद में बोला नहीं, ये तो हमारे स्टाफ का फ्रॉड है और हम तो इसको ऑनर नहीं करते हैं। तो RBI ने, गवर्नमेंट ने उनको बोला नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये फ्रॉड आपके स्टाफ का है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल रिस्क बिकॉज ऑफ द पीपल प्रोसेस सिस्टम्स। आपका सिस्टम वीक है, आपके यहाँ कोई LOU इशू करता है और आपको पता ही नहीं है, आपके कोई एंट्री नहीं होती है, कैसे उसने LOU इशू कर दिया? और उसके बाद RBI ने LOU बैन ही कर दिए, कोई बैंक को अलाउड नहीं था कि अब वो ऐसे LOU इशू करे। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी के अंकल, नीरव मोदी की वाइफ अमी मोदी और नीरव मोदी के भाई निशल मोदी इसमें मेन एक्यूज पाए गए। इससे पहले कि उनको अरेस्ट कर पाते, वो भी लंदन चले गए। हमारी सरकार आज भी उनको ढूंढ रही है। मीडिया को वो मिल जाते हैं, लेकिन अरेस्ट करने में बहुत सारे और इश्यूज हैं। लेकिन इसके बाद बैंकों ने ये जरूर समझ लिया कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, CBS में भी इसकी एंट्री करनी है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में ये पता लगने चाहिए, जिससे कि ऑडिटर्स इन चीजों को चेक कर पाए। इन 5 स्कैम से कुछ सीखने को मिला? अगर सीखने को मिला तो मैं आपका अंगूठा नहीं मांग रहा हूं, मैं क्या मांग रहा हूं आपसे, लाइक एंड शेयर, क्योंकि ये YouTube को समझ में आता है। हम और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में पूछिए, I'll be happy to discuss। और याद रखिए, exam भी makes your preparation 50% faster।